गाइज अभी हम आए हैं होटल के पीछे, और होटल के पीछे आप देखो ये है रिवर। दरअसल इसे पार्वती रिवर बोलते हैं, और होटल के पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। बाकी मैं आपको पास में ले जाता हूँ रिवर के, और फिर दिखाता हूँ कि कैसी है रिवर। ये बात ये रही दिव्या। दिव्या इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। थोड़ी बहुत गंदगी है, बट दैट्स ओके। और ये है रिवर, जा रहे हैं रिवर। चलो आगे जाओ तुम। ये क्या है? अच्छा मोटर शोटर लगा रखी है। चलो और आगे जाते हैं, और आगे। बस सांप सूप ना निकले तो ज़्यादा अच्छी बात है। सांप निकल गया हेलो हाय बोलने तो मेरी तो वैसी वाट लग जाएगी। ये रही देख जी, 1 2 1 2 1। दिव्या कह रही है आगे जाके अच्छा लगेगा। राइट, इसको ऐसे पकड़ना, मैं सामने खड़ा था ऐसे ही हिलाना बना। इसमें देखो सिद्धि से, इसमें देखो मेरा क्या अच्छा करो, देख रहा हूँ मैं। तो गाइज ये है कसौल, देखो कसौल और ये पार्वती रिवर। ये छोटा सा एक रूप है पार्वती रिवर का। जो मेन पार्वती रिवर जो है वो थोड़ी आगे की तरफ है, हम अभी जा रहे हैं। वैसे तो होटल वाला बोल रहा था कि आज बारिश पड़ रही है, लेकिन देखते हैं। हमें जाना है यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर, 1.5 घंटे ड्राइव करके जाएंगे। जगह बताई थी कौन सी थी? बरसैनी। जगह पे जाने के बाद फिर वहाँ पे देखेंगे सिचुएशन। अगर बारिश की बात होगी तो फिर हम लेंगे रेनकोट वगैरह, बरसाती जिसे बोलते हैं। उसके बाद भी हम ट्रैकिंग करेंगे ही करेंगे। बाकी वेदर एकदम प्लीजेंट है, ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं। गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, और अच्छा लग रहा है। मतलब वेदर भी अच्छा है, और बहुत ही खुल के सांस आ रही है, बहुत ही नेचुरल हवा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसी दिखती है स्ट्रीट कसौल की, तो ये है। ये सामने जो है स्ट्रीट है, ये अपना होटल है, और अभी तो मोस्टली दुकानें बंद पड़ी हुई हैं सारी की सारी। बाकी ये खड़ी अपनी गाड़ी, चलते अपनी गाड़ी पे। और टमाटर गिर गया, टमाटर आओ उठाओ। सही है, साफ ही तो है। चलो चला जाए, हाँ ये लोग सब चले गए। तो देखो यहाँ पे दो गाड़ी खड़ी थी, वो लोग भी चले गए खीर गंगा वगैरह के लिए। दिल्ली की गाड़ी थी, बाकी हम भी निकलते हैं। चलो बैठो रे भाई। तो जो है गाड़ी हो गई है गरम, और जो है अब हम निकलने वाले हैं बरसानी। बरसानी था ना नाम? बरसैनी के लिए, जहाँ से ट्रैकिंग खीर गंगा की स्टार्ट होती है। यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो बस निकलते हैं वहाँ पे। बाकी आपके साथ शेयर करेंगे एक्सपीरियंस खीर गंगा का कैसा रहा, ओवरऑल ट्रैकिंग जितना हो सकेगा उतना रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बारिश होने वाली है एंड ऑल। तो ये कैमरा पता नहीं बारिश में कैसा काम करेगा, बट लेट्स सी। तो चलो चलते हैं। जय भोले शंकर भगवान की, जय भोले की। राइट बोल रहा है, हाँ मणिकरण रोड बोल रहा है ना।
मणिकरण गुरुद्वारे के दर्शन कर लेंगे और क्या खा लेंगे। ये लोग भी तो हमारे होटल में रुके होते थे, दिल्ली एंड पार्टी। राइट है ना? ये भैया खीर गंगा के लिए इधर को ही है ना रास्ता, इधर ही है। अबे वो किम कुछ लेना है यहाँ से? कुछ लेना हो तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। मफिन्स तो मफिन्स कहाँ है अभी? 450 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये से कम नहीं देने। क्या बांट रहे हैं यहाँ पे? छोले कुलचे। हाँ भाई साहब, ये तो कुलचे खाना किसी को? मैं नहीं खा रहा अभी कुछ। ये तो नुकसान करेंगे ट्रैकिंग में। एक एक रेड बुल वगैरह ले लेंगे तो ज्यादा। पानी की बोतल सबके पास होनी चाहिए। पानी अभी भरेंगे रास्ते में से, तो चले। पानी की बोतल हर कोई रखेगा। हाँ दिखा लो, दिखा लो, तो दिखा लो मामा हमारे। क्या दिव्या, हाउ आर यू? अभी अभी जो है हम दिखाते हैं आपको एक व्यू, मतलब हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, लेकिन इस व्यू को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो अब देखो दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, ये देखो कितना नीला और बढ़िया पानी है। वाह, हरा हरा, नीला नीला, एकदम ऑसम। एक बार जूम कर देते हैं। ये देखो, ये देखो वो जा रही है नदी, ये जा रही है, इधर से ऐसे आ रही है, ये ऐसे। एक नंबर। जस्ट इमेजिन कि हम वहाँ पे बैठे हैं साइड में, और ये कितना अच्छा अच्छा नीला नीला हरा हरा पानी, मज़ा ही आ जाए। और अच्छी बात यह है कि हम ज़्यादा ठंड में नहीं आए, नवंबर का महीना है, आज 9 तारीख है, 9 नवंबर, बहुत ही प्लीजेंट वेदर है। ये देखो ज़्यादा कपड़े भी नहीं लादे हुए हैं, अभी नॉर्मल कपड़े पहने हैं। ओ जूम हो रखा है, 1 सेकेंड। हाँ ये देखो नॉर्मल कपड़े हैं, ज़्यादा हैवी जैकेट नहीं है। हमारे मामा की जैकेट भी खुली हुई है, तो ऊपर जब ज़्यादा जाएंगे तो जो है जैकेट हमें भारी वाली लेनी पड़ेगी। अभी तो ठीक है, काम चल रहा है हमारा। बाकी वेदर इज़ वेरी ऑसम, बाकी तो अभी टाइम की कमी है, तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ से दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया औसम औसम नज़ारे। ये खड़ी हमारी गाड़ी, एक नंबर। ये देखो वाह 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 वाह। आज बहन जी चाय है क्या? ओह शिट।
रास्ता सही है नीचे वैसे वैसे ही से ऋषि गेस पर गए थे। और ये स्ट्रगल करते हुए पंकज अपनी प्यारी कार को बचाने के लिए यहीं कहीं लगा देंगे साइड में, ये इनोवा जो खड़ी है इसके बराबर में टेक देता हूँ, ये भी वैसे हो समझे यहाँ लगा देते हैं आराम से, है कि नहीं। क्योंकि गुरुद्वारे जब कल गुरु पूर्णिमा थी ना तो यहाँ पे इतनी भी जगह नहीं मिली होगी लोगों को पार्किंग के लिए। अभी सुबह का समय है, ये मैं चिपका दे रहा हूँ, ये रैंडम वीडियो ज्यादा काम आएंगे। हाँ और ये रही ऐसे करके वाइट पट्टी के अंदर गाड़ी चली गई। चलो इतने काम इतने मतलब हवाई जहाज। तो हम जा रहे थे ट्रैकिंग पे लेकिन हमें याद नहीं था कि रास्ते मणिकरण गुरुद्वारा ही पड़ता है, बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है वहीं से। तो ये खीरगंगा के रास्ते में पड़ता है, तो बेसिकली हम इस गुरुद्वारे के लिए रुके हैं और जा रहे हैं नीचे और आपको दिखाते हैं ये गुरुद्वारा कैसे दिखता है यहाँ से। ये देखो ये देखो कितनी बढ़िया भीड़ हो रही है। वो रहा कुंड जिसमें हमेशा गर्म पानी रहता है। इधर से रास्ता इधर से, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Ek number. Divya. Seriously? Oh, wo dekho, nahar hai. Itna garam pani.